तकल्लुफ पड़ोसन, क्या था ये? तुमने ठेका ले रखा है क्या? हर जगह जाके हमें बेइज्जत करवाना है? अरे क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में? लाओ की खुशबू, गुलाब से पड़ोसन, पता नहीं क्या। लगता है एक बार फिर मेरा पेरेंट की दुम पर आ गया है। आ जाओ आ जाओ। बाजी, ओ बाजी, क्या है? वो राबेल बाजी चाय बना रहे, पूछ आपके लिए बना हुए? मुझे नहीं चाहिए चाय, और जाओ यहाँ से। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, जाओ। ठीक है। कहा था शहंशाह, चाय और दो तीन बिस्किट ले आ। आप क्यों इतने उदास बुलबुल बन के खड़ी हैं? कुछ नहीं, बस मेरा दिल नहीं है किसी से बात करने का। हाँ जी, जब इन झूठी आन बान शान के अलमबरदारों के हाथ में अपनी जिंदगी की भाग दौड़ थमाएंगी, ये तो होगा। आपकी ना जिंदगी बर्बाद। बर्बाद जी, और ये अपनी झूठी अना की जीत की खुशी में शादियाने बजाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ लिख लेंगे बात, ये जो शख्स है ना, ये खुद जोरू का गुलाम साबित होगा। वो कैसे? वो ऐसे, ये जो होते हैं ना लड़के, ये जो ज्यादा अकड़ में रहते हैं, बदमिजाज और नखरे वाले, इनकी आती है ना जब बीवी, तो बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर देती है इन्हें। फिर कोई ईगो शीगो नहीं इनको याद रहती, ना ही खानदान का वकार का एहसास होता है। एक बात बताओ कि तुम इस घर में किसी मिशन के तहत आई हो या तुम्हें ऑफिशियली मेरे खिलाफ लॉन्च किया गया है? अरे जब से तुम आई हो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अरे मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था यार, हर जगह हर किसी के सामने मुझे ही जलील कर रही हो। हाय, एक तो आप जलील बड़ा जल्दी हो जाते हैं भाई। मैं बेचारी तो अपने एडमिशन के मिशन के लिए आई थी। तो फिर अपना एडमिशन करवाओ ना, हमारी जान छोड़ो। जान तो आपकी ना अगले 2 साल तक नहीं छूटने वाली। वो क्या है ना जी, अब मैं आ ही गई हूँ तो मास्टर्स तो करके ही जाऊंगी, वैसे भी एडमिशन में तो अभी बड़ी देर है। वैसे एक बात तो बताए, आपका मैंने बिगाड़ा क्या है? क्या किया है मैंने? क्या किया मैंने? अरे पहले दिन से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। बस का टिकट मैंने खरीदा और सीट इसने हथिया ली, टैक्सी मैंने करवाई और ये लेकर फरार हो गई, और पता नहीं किससे जबरदस्ती मेरा रिश्ता करवा रही थी। पड़ोसियों के सामने जाके मेरे बारे में ऑल फॉल बका, वहां इज्जत का जनाजा निकलवाया वो अलग, और पूछती है कि किया क्या है मैंने।